हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजू स्कॉट्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी आप कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो या किसी भी टाइप का वीडियो बना रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कर्सर का मूवमेंट आपको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करते हुए भी कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। और क्रोम पर जाकर इस यूआरएल को पेस्ट करिए। ये यूआरएल मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर लेता हूं और ये मेरे डेस्कटॉप पे फाइल आ चुकी है। ये एक जिप फाइल है और इस फाइल को जिप करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, विनरार करके एक सॉफ्टवेयर होगा, तो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। यहां पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर, यहां पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस फोल्डर में आप देखेंगे ये सारी इमेजेस है, जो कर्सर की इमेजेस है, हाईलाइटेड कर्सर की इमेजेस है। मैं इसे क्या करूंगा, इसे राइट क्लिक करूंगा और यहां पर इसे रीनेम कर लूंगा। और रीनेम में मैं डाल रहा हूं जेड अंडरस्कोर। इसी टाइप से आप सभी इमेज को रीनेम कर लेंगे। मैं एक और इमेज को रीनेम करके दिखा देता हूं आपको। रीनेम यहां पे जाके हमने रीनेम पे क्लिक किया और जेड अंडरस्कोर कर लिया। इसी तरीके से आपको सारी इमेजेस को रीनेम करना है। ये मैंने सारी इमेजेस को रीनेम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको माय कंप्यूटर में जाकर C:\Windows/cursor पर फोल्डर ओपन करना है और इन सभी रीनेम फाइल को इस फोल्डर में कॉपी कर देना है। यहां पर जब आप पेस्ट करेंगे तो ये पूछेगा और आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो सारी चीजें यहां पर ये कॉपी हो गई है। अब यहां पर सर्च बार में आप सर्च करिए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद में अगर आपको ये व्यू नहीं मिल रहा है तो आप यहां से अपना व्यू बाय करके व्यू चेंज कर सकते हैं। अभी शायद आपको ये व्यू मिल रहा होगा, तो आप व्यू बाय में कैटेगरी में जाकर लार्ज आइकन पे जाएंगे। यहां पे आपको माउस का ऑप्शन मिल रहा है, यहां पे आप माउस में जाइए। माउस में जाने के बाद में यहां पर आपको पॉइंटर पे क्लिक करना है। पॉइंटर पे क्लिक करने के बाद में आपको वन बाय वन इमेजेस को रिप्लेस करना है। जैसे नॉर्मल सिलेक्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप सबसे नीचे इसको जाएंगे, देखेंगे सबसे नीचे। इसीलिए हमने इस फाइल का नाम जेड से स्टार्ट किया है। तो आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इस एरो को देख लीजिए और इस एरो को एक बार देख लीजिए, डबल क्लिक करिए, ये ओके हो गया। फिर उसके इसी प्रकार आप अदर इमेजेस को भी सिलेक्ट करते चलेंगे। अब आप जैसे आप ये हैंड वाली इमेजेस है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और हैंड वाली इमेज देखेंगे, कौन सी हैंड वाली इमेज है, ये हैंड वाली इमेज है। तो इसी तरीके से आपको सारी इमेजेस को, ये एरो है, टिल्टेड एरो है, अब इस टिल्टेड एरो को भी आप एक बार देख लोगे, यहाँ पे गो डाउन करके ये टिल्टेड एरो पे आ जाएगा। इसी टाइप से मैंने ये सारे जो मेजर रिक्वायर्ड एरोज होते हैं वो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। अब आपको क्या करना होगा, अप्लाई करने से पहले आपको सेव एज करना है और इसका नाम आप जो भी नाम देना चाहें, मैं इसको दे देता हूँ हाईलाइटेड पॉइंटर वन, ऐसे करके मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे एरो में येलो बैकग्राउंड आ गया है और वो हाईलाइटेड हो गया है। इस एरो को हमेशा हम हाईलाइटेड रखें जरूरी नहीं है। तो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि आप जैसे इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए और कंट्रोल पैनल में जाके, ये रहा हमारा माउस को हमने जाके क्रिएट शॉर्टकट, यस इसका क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट हो गया। तो ये डेस्कटॉप पे इसका ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। अब सपोज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अब आपको नॉर्मल व्यू चाहिए, तो आप इस पर डबल क्लिक करिए और पॉइंटर्स पे जाइए। पॉइंटर्स पे जाने के बाद में अभी हमने HP सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए डिफॉल्ट सिस्टम स्कीम। तो देखिए ये करके अप्लाई कर दीजिए और ओके, तो आपका एरो बैक टू नॉर्मल हो गया और अब आप अपने कर्सर को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो एजुकेटर्स है, टीचर्स है, यूट्यूबर्स है, जो बेसिक इक्विपमेंट के साथ में अपने हाई क्वालिटी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कनेक्टेड रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।